ओम शांति। 14 अक्टूबर के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। प्रश्न: इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है, कैसे? उत्तर: तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं, तो भाग्यशाली हुए ना। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, वह तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया, यही है दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी पॉइंट: इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है, अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। वरदान: संगठन में रहते, सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा, एक बाप को बनाने वाले, कर्म योगी भव। स्पष्टीकरण: कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं, डरते हैं कि कहीं फंस ना जाएं, इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्मयोगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। स्लोगन: बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। ओम शांति।